हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर, और आपके यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा। पर ऐसे गर्म मौसम में भी मेरे यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बढ़िया बेहतरीन सी चीज़ दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं वहाँ पर। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है मेरी बहुत सारी अडेनियम की सीडलिंग, और आज इस सीडलिंग को हो गए हैं पूरे 35 दिन। तो 35 दिन बाद मैं इस बार अडेनियम की मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास सीडलिंग है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पूरी एक एक करके टाइमलाइन कि कब कब मैंने इसको कैसे मैंने ग्रो किया, ताकि आप भी अगर कभी फ्यूचर में ये सब काम करें तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने अपने बीज कलेक्ट किए, जो मेरे ये अडेनियम के सीड हैं ये मेरे खुद के हैं। इसमें दो तीन तरह के मेरे पास सीड्स थे, तो इन सीड्स को मैंने सारा कलेक्ट करने के बाद बहुत अच्छे से, इसके बाद फिर मैंने तैयार की मिट्टी। तो मिट्टी में मोस्टली मैं लेता हूँ हमेशा कोकोपीट, मिट्टी और रेत। इन तीनों चीज़ों का मैं बराबर बराबर मटेरियल लेता हूँ तीनों को, और बढ़िया से मैं इसको अच्छे से धूप में सुखा लेता हूँ ताकि इसका किसी भी तरह का फंगस ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, बीज को उपचारित करता हूँ। जो अडेनियम के मेरे पास सीड हैं, इसको मैं फंगीसाइड जो पाउडर होता है, साफ पाउडर, इसमें मैं इसको रखता हूँ पानी के घोल में 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और फिर इसको लगभग 3-4 घंटे में इसको भिगो के रखता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो मैंने सॉइल मीडिया मैंने बनाया इसके सीडलिंग के लिए, इसको मैं क्या करता हूँ कि सारे गमलों में मैंने इसको बारी बारी से फिल कर दिया। और फिर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने जो साफ पाउडर है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, मैंने सभी गमलों में थोड़ा सा खाली रखते हुए मिट्टी को मैंने भर दिया, और वो पानी मैंने सभी में पहले से भर दिया। इसके बाद मैंने एक एक करके ये जो मेरे पास अडेनियम के सीड थे, इनको मैंने बिछाना शुरू कर दिया। एक एक सीड को मैंने बो दिया, बिछा दिया अच्छे से। इसके बाद फिर आता है इसमें नंबर कि इसमें हल्की सी मैंने इसके ऊपर उसी मिट्टी की परत, बहुत थोड़ी सी परत मैंने इसके ऊपर डाल दी जो मेरे पास सॉइल मीडिया था। डालने के बाद फिर मैंने स्प्रे से इसमें पानी पानी का स्प्रे किया मैंने, और इसको फिर मैंने छांव वाली जगह में जहां पर हवा तो आती हो वहां पर मैंने इसको रख दिया। रखने के बाद इसको पेपर से मैंने कवर कर दिया ताकि नमी इसकी बनी रहे और टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। ये करने के बाद मैंने इसको तीसरे दिन मैंने इसको देखा। देखने के बाद इसमें तीसरे दिन मेरे अडेनियम के 1-2% अडेनियम में स्प्राउट मुझे दिख गए। ये देख करके मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि कम से कम मेरा पूरा जो मेरा प्रोसेस था वो शुरू हो गया। इसके बाद मैंने इसे स्प्रे से, इसमें पानी का स्प्रे लगातार से करता रहा। अब मैंने कागज़ को, जो अखबार मैंने यहाँ पर रखा था, उसको पूरी तरह से हटा के फेंक दिया। इसको मैंने खुला रखा, क्योंकि जो गमले हैं इसमें मैंने अडेनियम के सीड लगाए हुए हैं, ये अडेनियम की सीड मिट्टी के बहुत ऊपर हैं, ऊपर होने की वजह से इसका नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप ऐसी गर्मी में, जब आप मई जून में सीडलिंग करते हैं, तो कम से कम आप इसको 2 बार इसमें पानी का स्प्रे करें, या उसमें नमी बनी रहे इसकी व्यवस्था आप ज़रूर करें। ऐसा आप बराबर से करते रहें। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें कि बीच बीच में करीब 6-7 दिन के अंतर पे आप साफ पाउडर के पानी का भी इसमें स्प्रे करते रहें। ये पूरी प्रक्रिया आप करते रहेंगे तो इस तरह से मेरी तरह जैसे मेरा पूरा ये प्रोसीजर हुआ, और मेरे सारे सीडलिंग मेरी इतनी बेहतरीन से बेहतरीन ये जो जर्मिनेट हुई है, इस समय बहुत ही ज़बरदस्त मेरी ये सीडलिंग हो चुकी है, और आज के दिन ये लगभग 35 दिन की ये मेरी सीडलिंग है। ये 35 दिन की सीडलिंग में इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, इनको ग्लास में, जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं प्लास्टिक के, मैं उनमें रिपोर्ट इनको करूँगा। जैसा मैंने पिछली बार किया था वही मैं इस बार भी दोहराने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये है मेरी अडेनियम की पूरी सीडलिंग, और देखिए कितनी बेहतरीन हो गई है ये। और ये मेरे 5 पॉट हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो वो जो लास्ट वाला है वो प्लास्टिक का पॉट है, तो उसमें उतने अच्छे से ग्रो नहीं हुए,
लेकिन बाकी में तो बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये पूरी अडेनियम की सीडलिंग तैयार की। इस प्रक्रिया का फॉलो अगर आप करेंगे तो आपके पास भी इसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अभी मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो यदि आपके इस अडेनियम की सीडलिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके यथासमय उनके जवाब दूंगा। तो फिलहाल ये था मेरे अडेनियम का भंडारा अडेनियम की सीडलिंग जैसे कह सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।